दोनों बेटों ने सिकंदर के सारे सैनिक ढेर करने लगे। अब तो जितनी सेना थी दोनों ने सारी सेना को काटना शुरू कर दिया। सिकंदर घबराया तो क्या हुआ, सिकंदर के कुछ लोगों ने पीछे से जाकर उन दोनों का सिर काट दिया। दोनों क्षत्रिय राजाओं का सिर काट दिया। जब सिर कटा तो आप आश्चर्य मानेंगे, उनका धड़ लड़ता रहा। सिर कटके गिर गया पर धड़ उनका तलवार को चलती रही और धड़ लड़ता, धड़ ने भी सैकड़ों सैनिकों को मारा, केवल धड़ ने। अब राजा घबराया, राम राम राम, ये क्या है। तो किसी हिंदू व्यक्ति से पूछा सिकंदर ने, वो तो मुसलमान, से तो समझ आया नहीं। तब हिंदू से पूछा कि भाई ये इनका धड़ कैसे लड़ रहा, अब इसका क्या करें। तब किसी ने कहा कि ये अपने इष्ट की पूजा करते, ये भगवान की पूजा करते हैं, इनके इष्ट जो भगवान है वो भगवान इष्ट इनके, हम सबके इष्ट होते हैं ना, इनके इष्ट ही इनके शरीर में सवार होकर और वो रक्षा कर रहे हैं। तो क्या करें, अब इसका फोड़ क्या है। तो किसी ने कहा इन पर शराब का छिड़काव किया जाए, इनके धड़ पर शराब। जब शराब का छिड़काव करेंगे तो इनके जो इष्ट हैं वो इन्हें छोड़कर चले जाएंगे, जो इनके भगवान हैं वो इन्हें छोड़कर, जो शक्ति है वो छोड़कर चली जाएगी। सिकंदर ने शराब का छिड़काव कराया धड़ पर, जैसे शराब की बूंद गई वो धड़ वहीं गिर गए। अर्थ क्या निकला, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इससे यही अर्थ निकलता है कि जब हमारा शरीर शराब को टच करता है तो हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा हमारा साथ छोड़ देते। तुमसे मना किया था ना कि शराब ना पीना, पियोगे ना तो फिर मेरे साथ की उम्मीद ना करना। और यदि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारा सिर कट जाए तो भी मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारा साथ देता रहूं, और यदि तुमने शराब ऐसी है कि देखो व्यक्ति जो धड़ लड़ रहा था शराब की बूंदों से वो धराशायी हो गया, इसका मतलब यह है शराब का स्पर्श भी वर्जित है पर लोग पी रहे हैं धड़ने से। अब ये एक बीमारी ही तो है, भारत में कोरोना कितना खतरनाक है उससे करोड़ों गुना ज्यादा खतरनाक यह है कि आज युवा पीढ़ी शराबी बन रही है, युवा लोग शराब पीने लगे, क्या ये खतरनाक नहीं है। आज का व्यक्ति अपने संस्कारों से गिरने लगा, क्या ये बीमारी खतरनाक नहीं है। कोरोना का तो चलो इलाज आ गया, जल्दी आ जाएगा, जल्दी ये बीमारी नष्ट हो जाएगी, पर शराब की लत की बीमारी इसका कौन सा टीका बनाओगे। शराबी को शराब छुड़ाने के लिए, इस बीमारी से निकालने के लिए ना तो आज तक दवाई बनी ना तो कोई टीका बना। अब तो एक ही टीका है केवल संस्कार का, सत्संग कीजिए, संस्कारवान बनाइए, अपने बच्चों को कथाएं सुनाइए, अपने बच्चों को सही दिशा पर ले जाइए ताकि वो कभी भी गलत मार्ग पर अपने कदम ना बढ़ाए। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, त्योतम पानम। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाए हो, बोले महाराज ताजी का जी शराब लाए हैं। हमने कहा भाई सुनो, हम तो पीते पर वो नहीं पीते जो तुम पिलाना चाहते हो। फिर हमने कहा तुम्हारी शराब तो 12 घंटे तक चढ़ती है, अधिक से अधिक, पर हमारी एक बार कोई पी ले
उतरती ही नहीं। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरी नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला पियो, है ना? पीना ही है तो कृष्ण नाम का प्याला मेरे सामने सलोने तेरा जलवा का।
खुद का खाना सीख जाते हैं। कितने बच्चे स्कूल से अपने दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट पीना सीख जाते हैं। क्या करें, उनकी पढ़ाई ही ऐसी है। आज की पढ़ाई यदि सुधर जाए, आज की पढ़ाई में जरा सी गीता हो, रामायण हो, तो संस्कार आए। आज की पढ़ाई जो डिग्री देती है, संस्कार नहीं देती। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हमको पढ़ते बिगड़ते साहब।
प्रचार करना ही है तो गन्ने के जूस का प्रचार कीजिए। यदि गन्ने का जूस उसके फायदे यदि टीवी पे बताए जाए और लोग गन्ने का जूस पिए शिकंजी पिए तो गन्ने का किसान कभी फांसी लगा के नहीं मरेगा, उसका रस ही लोग पिएंगे तो उसका पैसा उसे मिलेगा, उसका परिवार पलेगा। अंडा मुर्गी का बच्चा ही तो अंडा है, ना खाओगे ना तो उससे एक बच्चा निकलेगा। मतलब आप किसी के बच्चे को खा रहे हैं, क्या ये यही हमारे संस्कार है, क्या ये सही है? यदि दाल चावल सब्जी रोटी भोजन ना है वो हमारे पास और फिर हम अंडा मुर्गी खाएं तो बात समझ में भी आती है, चलो इनके पास ऑप्शन नहीं। पर हम सबके पास तो ऑप्शन है, हमारे भारत में तो अन्न बहुत होता है, भगवान की कृपा है, अब कोई भूखा नहीं रहता, दाल चावल सब्जी रोटी तो बहुत है। तो भगवान को भोग लगाकर तुलसी पत्र डालकर जो भगवान खाए वही हमें खाना चाहिए। क्या तुम गंदगी खाते हो? आप जरा पानी में गंदगी आप जरा थूक दीजिए पानी में तो मछली आएगी और आपकी आपका थूक खा जाएगी, आपकी गंदगी मछली खा जाएगी, खाती है कि नहीं मछली? और आपकी गंदगी मछली खाती है और अब बताओ वो व्यक्ति वो इंसान मछली खा जाता है, अब कितना बढ़िया होगा वो व्यक्ति जो मछली खाता होगा, जरा सोच सकते हैं आप? पानी में बच्चों की छिछी फोटी आप डाल दीजिए तो मछली उसे खा जाएगी, फिर आदमी मछली खा जाता है, अब बताओ क्या खा रहा है व्यक्ति? मलमूत्र ही खा रहा है। इसलिए ये सब खाने योग्य नहीं खाने। मछली को आप मारते हैं कितना तड़पती है, कितना दर्द होता होगा, वो भी जीव है। मछली मतलब भगवान नारायण का अवतार, भगवान ने एक बार मत्स्य अवतार धारण किया हयग्रीव नाम के, एक दैत्य की, एक दैत्य को मारने के लिए भगवान ने ये अवतार धारण किया था। तो भगवान मछली है, आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो और आपको मछली का दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ माना जाता। अपने घर में लोग मछली पालते हैं, आप जब भी शुभ काम के लिए जाया करिए तो एक बार मछली का दर्शन जरूर किया करिए। मछली अर्थात नारायण है वो, क्योंकि भगवान नारायण ने एक अवतार मछली का भी लिया, कछुए का भी एक अवतार भगवान ने लिया। तो मछली नारायण है, उसे मार कर खाना नहीं है, उसका दर्शन करना है, उसका संरक्षण करना है, खाना नहीं। कलयुग का पांचवा स्थान है सोना, पाप की कमाई का जो धन है उसमें कलयुग रहता है और जो मेहनत से कमाया धन है उसमें कृष्ण का वास है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? सुखदेव भगवान ने कहा बड़े